सेन, तुम आज मामू के चेयर पे बैठे हो। बड़े भुलक्कड़ हो गए तुम आजकल। इसमें भुलक्कड़ होने की क्या बात है? उस्मान साहब की कुर्सी है, आज नहीं तो कल या तो जैन या फहद बैठेंगे इस पर। कोई बात नहीं, बैठो, नो प्रॉब्लम। मॉम, डैड के बाद अगर इस कुर्सी पे कोई बैठ सकता है तो आप हैं। वैसे मामी, आजकल जैन कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ होते जा रहा है। क्यों, और क्या किया इसने? ये साइंड पेपर्स कमरे में छोड़कर चले आए। अब भूल कर आ गए या जानबूझ के छोड़कर, ये नहीं पता। ये कौन से पेपर्स हैं? मामी, मैंने लॉयर से कहकर ये पेपर्स बनवाए थे। मैं चाहती हूँ कि मेरा 51% का शेयर मैं जैन के नाम कर दूँ, ताकि वो ऑफिस के पूरे डिसीशंस अपने आप ले सके। मैंने पेपर्स कल रात ही साइन कर दिए थे जैन के सोने के बाद, लेकिन आज सुबह देखे तो पेपर जमीन पर पड़े थे। अब पता नहीं कि जैन ने पेपर्स देखे नहीं या जानबूझ के अनदेखा कर दिया। जैन, आलिया बात तो सही कह रही है, तुम्हें ऑफिस चलाने के लिए इन पेपर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आलिया हर दिन तो नहीं जाएगी ऑफिस, है कि नहीं? जैन, आलिया का फैसला एकदम सही है। बुढ़िया मुझे यहां से निकाल कर ही दम लेगी, पर मैं यहां से निकलने वाला नहीं हूं। मुझे 51% चाहिए। डैड ने सही फैसला किया था, ये सारा शेयर आलिया के नाम करके। अच्छा, अब इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं, चलें ऑफिस। मैं यहाँ ऑफिस जाने के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ आलिया के करीब रहने के लिए आया हूँ। भाई वो तबीयत ठीक नहीं है तो सोच रहा था थोड़ा रेस्ट करूँ। जैन, तबीयत ठीक नहीं है तो तू जाके आराम करो। मॉम, मैं वही सोच रहा हूँ कि रूम में आराम कर लूँ। मैं भी आती हूँ। आलिया। जी मामी। बिल्कुल बुरा मत मानना कि जैन ने पेपर्स फाड़ दिए। जो तुमने किया वो तुम्हारा प्यार और तुम्हारी समझदारी थी, और जो जैन ने किया वो उसकी मोहब्बत। पागल हो तुम दोनों, सही बांधा है उस्मान साहब ने तुम दोनों को इस रिश्ते में। जाओ देखो, ठीक है?
लगता है इनको होश आ गया। रॉकेट, 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 तुम ठीक हो ना रॉकेट? क्या हुआ? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत सर दर्द हो रहा है। डॉक्टर, रॉकेट तुम ठीक हो? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? रॉकेट तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सोचा, सोचा। लगता है सर पे चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है, वो इसी वजह से आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं आपको कुछ दवाइयां लिख के देता हूँ, आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। जी। अल्लाह से कहूंगा कि मेरी तबीयत खराब है तो उसे मेरे करीब आना ही पड़ेगा। वाह क्या आइडिया। क्या चाहते हो तुम? मैं वो नहीं सर। पेपर क्यों फाड़ा तुमने? हाँ क्यों फाड़ा? कल रात से आलिया ने पेपर साइन करके रखे हो, तुमने देखा तक नहीं? कमरे में भूल कर आ गए? वाह समझते क्या अपने आप को, क्या चल रहा है ये सब? सब वही होगा जो आप चाहती हैं, सिर्फ तरीका मेरा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं सब कुछ आपके नाम कर जाता लेकिन कल को जैन लौट कर आता तो वो इनकार नहीं करता कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? अरे जैन कभी वापस नहीं आएगा। जैन लौट कर नहीं आएगा मतलब? मतलब कि वो मैंने उसे कैद करके रखा है और वो मैं उसे कभी वापस आने नहीं दूंगी। चलिए मान लीजिए कि आप जैन को वापस नहीं लौटने देंगी, लेकिन सब कुछ छोड़कर, अपनी मॉम को छोड़कर, फहद भाई को छोड़कर, आलिया को छोड़कर, सब कुछ आपके नाम कर दिया तो कंटिन्यू बचेगी। तो इस बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मुझे सिर्फ ज़रीना कुरैशी की काबिलियत पर यकीन, फिर मैं कहूंगा कि मुझे जल्द से जल्द आप ऑफिस में चाहिए। मैं धीरे धीरे आपकी तारीफ के इतने पुल बांधूंगा कि सबको यकीन होने लगेगा कि वाकई में ज़रीना में काबिलियत है। लेकिन उसके लिए मुझे आलिया के करीब आना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा ताकि काम जल्द से जल्द हो सके और जितना करीब रहूं उतना अच्छा। अच्छा मेरे साथ वक्त बिताने से खाला का कौन सा काम हो जाएगा? वो दादी बनने की ख्वाहिश थी ना उनकी, तो बस वही पूछ रही थी कि कब पूरी करोगे। मैंने कहा कि जितना ज्यादा वक्त आलिया के साथ बिताऊंगा जल्दी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चुप रहो तुम, खाला चुप सी बातें करता रहता है ये। चलो मेरे साथ खाला, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। खाला मिलते हैं आपसे। चलो रॉकेट ले बेटा चाय, गरम गरम है, अच्छी। मुझे
चश्मे के बगैर आजकल सब दिखाई देता है। हाँ बेटा, मैं चश्मा पहनता था। अरे तूने चश्मा बोला, तू चश्मा पहनता भी था और पता है तू चश्मे को क्या कहता था? चश्मा। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बदल गए। तुम जब मुझे छोड़ के गए थे ना, तब कुछ अलग ही थे। लाइका, दिल लगाए क्या? चल चल। ठीक है बेटा, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। हाँ बेटा। डॉक्टर, रॉकेट एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, फिर पता नहीं एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या हुआ है मेरे रॉकेट को? क्या कह रहे थे रॉकेट तुम? क्या हुआ, तुम्हें क्या दिखाई दिया? पता नहीं डॉक्टर, चेहरा दिखाई दे रहा है, धुंधला सा, एक लड़की का। कौन है, कहा, कुछ कुछ नहीं याद आ रहा। कुछ नहीं, तुम आराम करो। देखिए इनका ब्रेन स्कैन कराना होगा, और मुंबई में मेरी जान पहचान में बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मेहरा। आप इन्हें मुंबई ले जाइए, मेरे हिसाब से उनका बेहतर इलाज वहीं पर होगा। जी डॉक्टर। ये जी शाजिया जी, शाजिया जी कहाँ मर गई? शाजिया जी बाल बना लेते हैं। लगता है शाजिया जी को आखिर हमसे प्यार हो ही गया, इसीलिए हमें अकेले बुलाया है। तीन मिनट लेट हो। वो शाजिया जी, हमने सोचा पहली बार मिलने आ रहे ना, इसलिए सोचा कि आपके लिए फूल ले जाएं। लेकिन माशाल्लाह आप तो पहले से ही फूल बन के बैठी हैं। शाजिया जी, आप मुरझाए हुए फूल की तरह उदास क्यों हैं? क्योंकि मैं उदास हूँ, किसी को मेरे लिए वक्त नहीं है, दफात को दिखाना। शाजिया जी, हमारे पास है ना आपके लिए वक्त, हम एकदम फ्री, एक के साथ दो बार फ्री फ्री। तुम्हारे वक्त का क्या करूँ मैं? वो तो अब हमें सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम पेन और पेपर लेके आते हैं, लिखते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बात बताओ, ये खाला आजकल क्या कर रही है? वो तो रॉकेट। क्या रॉकेट? रॉकेट रॉकेट उड़ा रही। क्या बकवास कर रहे हो, दिवाली तो कब की चली गई? अरे वो ही तो हम कह रहे हैं, हमने उन्हें समझाया कि अम्मी आपके रॉकेट उड़ाने के दिन चले गए, आपकी दिवाली अब नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी बोलती हमें रॉकेट उड़ाना, हमें रॉकेट उड़ाना। बुढ़िया को ना रॉकेट उड़ाना है बुढ़ापे में। काम की बात भुला दोगे। बिलाल, अगर मैं तुमसे कुछ करने को कहूँ तो तुम करोगे? देखो तुमने मुझसे दोस्ती की है, याद है ना? हाँ। अगर मैं तुम्हारी मदद मांगू तो तुम मेरी मदद करोगे ना? शादिया जी, वही तो हम चाहते थे। अभी सुनो, सुनो, आपको सुरैया मैम ने किचन में बुलाया। अभी जी तुम जाओ, मैं आती हूँ। बिलाल, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाँ अरे पर सुनिए तो शादिया जी, सूप बोल में डाल देना।
अच्छा सुनो, मैंने वहाँ एक चार्ट लगाया, उसके हिसाब से हर दिन नफीसा मैम को खाना मिलना चाहिए और कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टूड? मम्मी आपने बुलाया? शाजिया, मैं अभी इससे कह रही थी कि नफीसा का खाना आज से उस चार्ट के हिसाब से बनेगा, और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम या आलिया इस बात का ख्याल रखे। नफीसा मैम को सूप देकर आओ। अब इंशाल्लाह तुमसे भी कुछ अच्छी खबर मिले। आखिर सैफ को एक भाई या बहन तो चाहिए ना। लेकिन सच बात तो ये है कि नफीसा माँ बनने वाली है और हम सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? इस घर में सिर्फ उसी का राज चलता है जो। अभी तो नफीसा का बच्चा आया भी नहीं और ये हाल। अगर आ गया तो नहीं, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। तुमने मुझे आग में जलाकर मारने की कोशिश की ना, तुम्हारे बच्चे को तो अब अल्लाह ही बचाए। बीमार होने का बहाना बना तो दिया, लेकिन आलिया इंतजार बहुत कराती है। रॉकेट ने आज तक किसी लड़की का इंतजार नहीं किया और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। चाचू, बच्चे, यार बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं मुझे। ए चैंप, आजा अंदर। चाचू प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। नहीं यार, ये पढ़ाई लिखाई की बातें मुझसे नहीं होती। क्या बनाना बेटा? ड्राइंग बना। ड्राइंग बनानी है? तो मैं बहुत आराम से बना लूंगा। अभी देखो, ये बन गई तुम्हारी ड्राइंग। वाओ चाचू, क्या ड्राइंग बनाई है। सैफ, चाची देखिए ना, चाचू ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। जैन और ड्राइंग? पर जैन को तो ड्राइंग करनी आती ही नहीं है, पर ये कैसे? पहले पेंसिल तो ठीक से पकड़ो। बुद्धू, ड्राइंग कैसी लगी? ये ड्राइंग तुमने बनाई थी? एकदम मस्त। इतनी प्रोफेशनल, तुम्हें तो पेंसिल भी ठीक से पकड़ना नहीं आता था। टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाते थे तुम। वो तो तुम चली गई तो मैंने सीख ली। Really? हाँ? चाचू, आपने इस ड्राइंग का नीचे आर क्यों बनाया? वो गलती से लिख दिया होगा ना? चलिए लाओ, अभी ठीक कर देते हैं। ओके, लाओ इरेज़र, लाओ चाचू, अभी इरेज़ करते हैं। लाओ।